जयदीप साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में मनोहर अनिल भारती। और इस वक्त हम मौजूद हैं जानकीपुरम लखनऊ में, जहां पर महामना ज्योतिराव फुले शिक्षा एवं बाल समिति द्वारा मेधावी बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। विगत में परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ साथ जो जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के समाज में योगदान किया उसके आधार पे एग्जाम था, उसके साथ साथ एकेडमिक भी उसमें सम्मिलित था, जो सिलेबस था सम्मिलित था। उन एग्जाम में जिन बच्चों ने टॉप किया स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए मैं बात करता हूँ, क्योंकि शिक्षा की वजह से ही मानव जीवन का विकास होता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज ये वो बच्चे हैं, ये समाज के वो हीरे हैं जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और अच्छे अंक लाकर अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो आयोजक हैं, परीक्षा के मुख्य आयोजक हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि ये जो आपने जो इतना अच्छा शानदार पहल की है, कहाँ से प्रेरणा मिली। उसके बाद मैं आप लोगों को बच्चों से रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके से तैयार किया उन्होंने, एग्जाम में कैसे तैयारी की, सिलेबस कैसे क्या था, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आइए कार्यक्रम के जो आयोजक है और परीक्षा के जो मुख्य आयोजक है उनसे मैं बात करता हूँ। सर स्वागत है आपका। जी सबसे पहले परिचय दे हमारे दोस्तों को। मेरा नाम रामदीदास सुमन विद्यार्थी है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शायद ज्ञानपीठ का जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश में उत्सव होती है उसको मैं कराने के लिए पूरे प्रदेश में कटिबद्ध हूँ और मैं प्रयासरत हूँ कि यह परीक्षा जन जन की जन उपयोगी परीक्षा। क्या उद्देश्य है इस एग्जाम को करवाने का, प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस परीक्षा को कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज का जो वर्तमान समय है वो प्रतियोगी परीक्षा का दौर है। चाहे हमें अच्छी शिक्षा के लिए जाना हो तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना होता है, साथ ही साथ हमें ये जीवन की जो करियर की प्रतियोगिता है उनमें भी हमें सफल होना है तो उसके लिए हमें प्रतियोगिताओं के दौर से गुजरना है। IAS बनना हो, PCS बनना हो, अन्य किसी भी बड़े से बड़े मतलब जो एग्जाम है उनको आपको फाइट करना है तो परीक्षाओं के माध्यम से ही करना है। इसलिए मेरे मन में 2015 से आया कि अपने महापुरुषों के बारे में, भारतीय संविधान के लिए संविधान के बारे में और बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप करके इन बच्चों की परीक्षा ली जाए। इससे एक फायदा होगा कि समाज की युवा पीढ़ी जो है अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगी, भारतीय संविधान और खेल जगत के बारे में जानेंगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें दोनों परीक्षा में आती हैं। हम जो कुछ हैं आज अपने महापुरुषों की बदौलत हैं, हम अपने महापुरुषों के योगदान को हमेशा याद रखें और समाज के लिए सोसाइटी का जो कंसेप्ट है उसको हम करते रहें, उसी के तहत ये कार्यक्रम। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये परीक्षा जो आपने करवाई और बच्चों ने टॉप भी किया है, ये कैसे आज के दौर में जो कंपटीशन एग्जाम है कैसे हेल्प करेगी? ये परीक्षा जो है जिस तरह से जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनका कंसेप्ट होता है कि ओमान सीट पर परीक्षा कराई जाए, 2 घंटे का 2.5 घंटे का 3 घंटे का समय दिया जाता है, कैसे बच्चे टाइम पर पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के लिए उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सही समय पर पहुँचना चाहिए, सही टाइमिंग, 100 प्रश्नों को हल करने की जो टाइमिंग है वो प्रॉपर टाइमिंग में वो प्रश्न हल कर सकें। और सबसे बड़ी बात चीज यह है कि 2018 में उत्तर प्रदेश की जो TET परीक्षा हुई, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें 2.5 लाख स्टूडेंट ऐसे फेल कर दिए गए जिनको ओवरशीट भरना नहीं आया। तो कम से कम इस परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे वो तो कभी ओवरशीट भरने में गलती नहीं करेंगे, जब गलती नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे भविष्य की प्रतियोगिता में टॉपर ही बनेंगे। आज जो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर टॉपर बने हैं, निश्चित रूप से जीवन की जो प्रतियोगिता है, सर्विसेज की प्रतियोगिता है, उनमें ये बच्चे आगे चल कर भी, जैसे कि हमने बताया हमारा एक छात्र NDA की परीक्षा में आज इंटरव्यू देने गया है, एक छात्र हमारे जेल पुलिस में सिलेक्टेड हो गया इसी परीक्षा का टॉपर, है ना, तो बड़ी गर्व की मतलब अनुभूति होती है। ऐसे ये छात्र भी एक दिन जो है निश्चित रूप से बड़ी प्रतियोगिता में भी सफल होंगे, इसी वजह से लेकर हमारे साथ में थे इस जो परीक्षा के मुख्य आयोजक रामजीलाल सुमन विद्यार्थी पर लगातार साथ छात्रों के लिए आप जो है आवाज़ उठाते हैं और लगातार छात्रों के हितों के लिए जो वर्क है वो करते रहते हैं। आपने एग्ज़ाम के बारे में बताया, आज के दौर में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए टाइम मेजरमेंट, कि आप समय के साथ एग्ज़ाम को कैसे पूरा करें, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम आप मोर देन देखे होंगे कि अब सवाल ज़्यादा होते हैं समय कम होता है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम उन सब चीज़ों में मदद करेगी। आइए मैं आप स्टेट लेवल के जो टॉपर्स हैं मैं उनसे बात करता हूँ, उसके बाद आपको मिलवाऊंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर्स से। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता करें?
गठबंधन में जितना आप स्टेट लेवल पर टॉप किया है तो एग्जाम की तैयारी कैसे किया और जो देश भर के छात्र आपको देख रहे हैं उनको क्या बताएंगे कैसे तैयारी करना एग्जाम की? अच्छा आपके एकेडमी से भी सवाल लिया गया था क्या? तो उसमें कितने लगभग परसेंटेज कितना सवाल का जो है उसमें सकता आपके सिलेबस से? देखिए साथियों ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल सवाल लिए जाएंगे, हिस्ट्री के लिए जाएंगे, उसमें आपके एकेडमिक यदि बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो एकेडमिक से भी सवाल लिए जाते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में वो फायदा करेगा। आइए नेक्स्ट बच्चे से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ठीक आपका क्या स्टेट लेवल कितना नंबर आया है आपका? 81 आउट कितना 100 जी। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं इस एग्जाम में बैठूँ? स्कूल से, स्कूल में जानकारी मिली, किस तरीके से तैयारी किया आपने, कौन सी बुक से, बुक्स का नाम बताए? अच्छा देखिए अच्छा तो आप और जो आपको देख रहे हैं और बच्चों को क्या कहेंगे कैसे तैयारी करें? तो क्या अन्य बच्चों को कहेंगे कि हाँ आप लोग भी आइए इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए? ये देखिए बच्चे हैं मेधावी बच्चे हैं, इन्होंने स्टेट लेवल पे एग्जाम क्वालिफाई किया और भी बच्चे हैं शायद आपके भी स्टेट लेवल पे। क्या नाम है आपका? कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली इस एग्जाम में बैठे हैं? आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपने सीखा? अच्छा पहले बताइए, बताएं मुझे कि आपने इस एग्जाम को दिया तो कुछ सीखा या नहीं, क्या चीज बताया कुछ? अच्छा आपने अच्छा नंबर ले आया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और आपके अंदर और भी रूप पैदा हुआ और आगे हम और अच्छे से पढ़ाई करें। अच्छा तो आपको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे देश के बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि कैसे क्या करें, कैसे आगे बढ़े? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में सभी हमारे साथ में थे स्टेट लेवल के और उनका कहना है कि लगातार आप पढ़िए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा तभी आप शेर की तरह दहाड़ पाएंगे। हमारे साथ में और भी छात्र हैं, क्या नाम है आपका? जी सिद्धार्थ जी, आपका रैंक पहले बताएं आपका डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा सबसे पहले बताइए आपको आपकी तरह और भी बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे स्कूल की पढ़ाई है वो तो है लेकिन जो जिससे हम एक्स्ट्रा चीज़ों को भी आगे तक कर सकते हैं। यस तो फिर जैसे इस तरह जो कॉम्पिटिशन होते हैं फिर जो हमारी उनमें से बना में उनके भी ज़्यादा मतलब हल्के में नहीं जाए मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो इन सब चीज़ों को लाइट नहीं बहुत लाइट देते तो फिर इन सब चीज़ों को लाइट ही नहीं देते हमें जितना हो सके उसमें अपना बेस्ट देने का ट्राई कर सकते हैं। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा कि जितना हो सके एग्जाम के माध्यम से कुछ सीखा आपने? जी हाँ मैंने ये सीखा कि आपका अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसमें अपना पूरा 100% जो उसको लाइटली ना देखिए आपका कहना है कि कोई भी एग्जाम है उसको हम लाइटली ना लें। और एक और सवाल लेना था जी, क्या नाम है आपका? जी सेल्फी की थोड़ा तेज बोले, हाँ बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से कहाँ मतलब आपका घर कहाँ पड़ेगा? महमूदाबाद सीतापुर। अच्छा बताइए कौन सी क्लास की छात्रा है, क्या सीखा है इस किताब में, कुछ सीखा आपने? कुछ सीखा आपने टाइम मैनेजमेंट या कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिली आपको? ये देखिए आपको आपका कहना है कि नई चीज़ हमको सीखने को मिली जो शायद इस एकेडमिक सिलेबस में नहीं मिलता है।
आइए हमारे साथ में और भी बच्चे हैं, थोड़ा मैं उनसे भी बात करूँ और उनसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ कि उन्होंने कैसे तैयारी की। ठीक है, नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? बी के टी लखनऊ। कौन सी क्लास में जाते हैं? कैसे जानकारी मिली उसके बारे में? तो एग्ज़ाम को दिया तो कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली कि नहीं? अच्छा लगा। तो अन्य बच्चों को आपसे तरह और भी बच्चे हैं उनको तो क्या कहेंगे? वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? जी बताइए, कहाँ से हैं आप? कौन सी क्लास के छात्र हैं? आप मुझे बताएं कि आपको इस एग्ज़ाम से क्या सीखने को मिला? और अन्य बच्चों को क्या कहेंगे कि पार्टिसिपेट करना चाहिए? अच्छा, तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसे एग्जाम होते हैं कि आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? अपने साथियों को बोलेंगे कि ऐसे एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे जी? और उनको क्या बताएंगे कि इसमें कुछ सीखने मिलता है या नहीं? लास्ट सवाल बाइंड अप करेंगे। हमारे साथ में एक स्टेट लेवल की एक और छात्रा है, मैं उनसे एक सवाल लेना चाहता हूँ कि आपके जीवन में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप स्टेट लेवल की टॉपर्स है और लास्ट अगली सवाल रहेगा आपसे कि आपके जीवन में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्राप्त करके क्या करना चाहते हैं? ये देखिए, आपका कहना ये है कि शिक्षा जो हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको लगन से हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाके हमें लाभ मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट बच्चे से मिलवाता हूँ और जानते हैं कि उनको कैसा महसूस है एग्ज़ाम में। जी क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन सी क्लास के छात्र हैं आप? आपको किसी किसी काम से सीखने को मिला? जी बताइए, कुछ रियल करें नई चीज़ें या समय का बजट में कुछ मिला सीखने को आपको? ये देखिए, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ऐसा देखते हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे नए इस एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा ये है कि आपको सोशली नॉलेज मिलता है, और जिसके पास सोशल एकेडमिक दोनों है वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जी क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आगे? बड़ी बड़ी घड़ी मिला आपको, कैसा लग रहा है? कहाँ से बिलोंग करती हूँ? कहाँ जिला, कौन सा जिला है? जिला राय भाई, सॉरी मैं बिलोंग बच्चे। अच्छा, ये आज आपको इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, इसका श्रेय किसका देंगे? मतलब किसको कहेंगे, किसकी वजह से मिला है? अच्छा, सर जी और मैडम जी को। ये देखिए, अच्छा एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की? भाई आपने टॉप किया, अन्य बच्चे भी टॉप करें, कैसे पढ़ाई किया आपने बताएं थोड़ा उसके बारे में? और एकेडमिक से भी कुछ पूछा कहना, जो स्कूल में पढ़ती है उससे भी पूछा कहना था, उसको अच्छे से पढ़ाई किया था आपने? ये देखिए बच्चे हैं और अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो थोड़ा सा हेजिटेट भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों का। ये पूरे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे थे हमारे साथ में। आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप हमें ज़रूर बताएं। और आप मेरे जो सम्यक TV24 का जो पूरी टीम है उसकी तरफ से सभी मेधावी बच्चों को बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं। हमारा भी प्रयास रहता है कि ऐसे एग्ज़ाम हो और ऐसे एग्ज़ाम में हमारा भी चैनल जो हो पाए वो सहयोग करे, मतलब प्रचार प्रसार के माध्यम से जितना भी हो सकता है। क्योंकि आपको मैं बताते चलूं कि डिस्ट्रिक्ट बहराइच में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ के बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया। वहाँ जब मैंने इंटरव्यू किया बच्चों का, उन लोगों ने कहा कि वहाँ के बच्चों में सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि टाइम मैनेजमेंट हमने सीखा, कि कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे करना है इस एग्ज़ाम से मैंने सीखा। ये बहुत सारी बातें हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लिप में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। सम्यक TV24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबरों में बने